रुक कर लेते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है इसी बीच, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने कैलाश विजयवर्गीय के आरोप पर बयान दिया है। उन्होंने आरोप के सबूत मांगे हैं और सबूत नहीं देने पर मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दो दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में कैलाश विजयवर्गीय ने आम सभा को संबोधित करते हुए महेश पटेल और उनके पिता पर 25 से 30 मर्डर करने और गुंडागर्दी करने का बयान दिया था, जिसके बाद से अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब सबूत मांगा गया है। महेश पटेल ने कहा है कि इस पूरे वाक्य का सबूत दिया जाए, इस पूरे बयान को लेकर के कोई तथ्य दिए जाए, नहीं तो वो मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पिता ने 20-25 मर्डर किए तो कैलाश विजयवर्गीय बता दे कि कहां पे किए और कौन सी कोर्ट में और कौन से थाने में नाम है। तो कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूं कि बता दे, और मैं कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूं कि गुंडागिरी कहां पे हुई है और कहां पे गुंडागिरी से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।